फूडीज के लिए। और अगर ये वीडियो आप मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आ गई हूँ बर्गर सिंह। यस, फाइनली मुजफ्फरपुर में आ गया है बर्गर सिंह। एंड बर्गर सिंह इंडिया का लार्जेस्ट बर्गर चेन है, जिसके मोर देन 175 आउटलेट्स है पूरे इंडिया में, 75 सिटीज में, लाइक 75 प्लस सिटीज में पूरे इंडिया में 175 प्लस आउटलेट्स है। उसके साथ ही यूके के लंदन में इनके 3 आउटलेट्स है। सो ये बहुत बड़ी बात है। एंड फाइनली मुजफ्फरपुर के PNM मॉल में बर्गर सिंह आ चुका है। सो गाइस, मैं आ गई हूँ PNM मॉल के फूड कोर्ट पे। तो फूड कोर्ट पे आप जैसे एंटर करेंगे, सबसे पहले जो है बर्गर सिंह का आपको आउटलेट दिखेगा। एंड मैंने अपना ऑर्डर्स दे दिया है, तो जब तक मेरे ऑर्डर आ रहा है तब तक मैं बताती हूँ कि बर्गर सिंह फेमस क्यों है और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो बर्गर सिंह की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। सिर्फ 39 में आप यहाँ पे बर्गर्स ट्राई कर सकते हैं, जिसका नाम है, नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे हो गया निकू सिंह उड़ता पंजाब, छोटू सिंह बिहारी गोश्त, चंकी पनीर पांडे, एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे बर्गर्स ट्राई कर सकते हैं। नाम इंटरेस्टिंग है ये, साथ में टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। सो लाइक टेस्ट भी इंटरेस्टिंग है, सो वो तो मैं टेस्ट करने के बाद बताऊँगी। उसके साथ ही इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है साइड डिश, वैसे यस वेज एंड नॉन वेज दोनों है, तो जैसे कि स्पाइसी टैंगी बटाटा वड़ा, जो कि पूरा आपको मुंबई वाला वाइब्स देने वाला है, बॉम्बे वाला टेस्ट आपको यहाँ पे बटाटा वड़ा मिल जाएगा। साथ में क्रिस्पी अनियन रिंग्स मिलेंगे, एंड उसके साथ ही नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन विंग्स हैं अलग अलग फ्लेवर्स। और गाइस, उसके साथ ही आप पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में ना एक कॉम्बो ट्राई करना चाहते हैं तो सिर्फ 99 में इनका कॉम्बो है, जिसमें होगा एक बर्गर, उसके साथ ही इनका इन हाउस एक ड्रिंक है गुलाबो, नाम भी बहुत ज़्यादा, और मैंने टेस्ट किया वो बहुत ही टेस्टी होता है, उसका मैं अभी रिव्यू दूंगी। सो गुलाबो करके ड्रिंक है, उसके साथ आप अपनी चॉइस का फ्राइज, लाइक फ्राइज के भी अलग अलग ऑप्शन हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो कॉम्बो सिर्फ 99 में मिलेगा, 39 में सिर्फ आपको बर्गर्स मिल जाएंगे। सो चलिए अब हम वेट करते हैं अपने ऑर्डर आने का, फिर हम रिव्यू देंगे। मैंने जो भी ऑर्डर्स किए थे वो सब रेडी हो चुका है, मैंने एक बार भी सब बनवाया है, क्योंकि मैं एक बार में सारा रिव्यू देने वाली हूँ, फूड रिव्यू। एंड यहाँ पे कुछ वेज के साथ नॉन वेज भी है, जो कि सलोनी टेस्ट करेगी, तो उसका भी रिव्यू हम लोग साथ में देंगे। देख सकते हैं मैंने बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुजफ्फरपुर में फाइनली बर्गर सिंह आ गया है, और आप ये देख सकते हैं ये है निकू सिंह, सिर्फ 39 का बर्गर है गाइज ये। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने साइड्स में ना मोरक्कन फ्राइज मंगवाए हैं, और यहाँ पे है उड़ता पंजाब चीज़ बर्गर, लाइक बहुत बड़े साइज में है ये, और उसके साथ ही है बिग क्रिस्पी चिकन बर्गर। सो चिकन बर्गर भी आपको मिल जाएगा, एंड मैंने बताया था इन हाउस ड्रिंक गुलाबो, कलर भी गुलाबो है, बहुत ही प्यारा सा, ये कॉम्बो में आपको मिलेगा। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे, बिकॉज मुझे दिखा मेन्यू में मोमो, तो मैंने मोमो भी मंगवाया है। सो स्टीम मोमो है, लाइक स्टीम में वेज एंड चिकन मोमो है, साथ में यहाँ पे चीज़ी फ्राइज है, चौकोलावा भी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक स्टार्टर मेन कोर्स डिजर्ट सब कुछ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ निकू सिंह बर्गर, क्योंकि अगर कोई भी स्कूल और कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं और पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में खाना चाहते हैं तो वो ये वाला ऑर्डर कर सकते हैं, निकू सिंह छोटू सा बर्गर। छोटू बर्गर बस नाम का, इतना बड़ा साइज है, और इसके अंदर पैटी है, वेजीज अच्छे से डाला गया, सॉस अच्छे से डाला गया है। वाओ, सॉस का फ्लेवर भी अच्छे से आ रहा है, पैटी बाहर से क्रिस्पी है, आलू की क्रिस्पी, मतलब वेज वाला बर्गर है, अंदर से ना वो अच्छा फ्लेवर आ रहा है और बाहर से क्रिस्पी है। गुड वन गाइस, उसके साथ ही ट्राई करते हैं ये मोरक्कन फ्राइज, जिसमें थोड़ा सा सीजनिंग डाला गया है, अच्छा टेस्ट आ रहा है, गर्म है तो क्रिस्पी क्रिस्पी है, एंड या अच्छा टेस्ट। ये है बिग क्रिस्पी चिकन बर्गर, मतलब मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि कोई भी चिकन लवर है तो वो लोग भी ट्राई कर सके, और रियली ये बहुत ही बड़े साइज में है, मतलब ये एक बर्गर खाने के बाद तो पेट वैसे ही भरने वाला है। और मैं ट्राई करने वाली हूँ, मतलब जितने यूनिक नाम है ना वो मुझे ट्राई करना था, तो ये उड़ता पंजाब चीज़ी बर्गर है और ये बिग साइज में है। इसमें आपको रेगुलर साइज में भी मिल जाएगा, बट ये मैंने बिग साइज में लिया है।
और बहुत सारा वेजीज एंड सॉसेस डाले गए हैं। इसका इसका टेस्ट डिफरेंट है गाइस, नाम अलग है टेस्ट भी अलग। उत्तर पंजाब एक तो साइज में बड़ा है, ऊपर से इसके अंदर बीच में ना पूरा चीज है, मतलब कि एक अगर ख़त्म कर दिया ना तो मैं मान जाऊंगी भाई आप फूडी हो, मतलब इतना हैवी बर्गर है और चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है और पूरा पूरा ये देख रहे हैं ना पूरा चीज़ का लेयर है इसके। सो गाइस इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है, चीज़ी फ्राइज है ये, वाओ बहुत चीज़ी है। जितने भी चीज़ लवर्स हैं ये वाला मोरक्कन वाला ट्राई कर सकते हैं, बट चीज़ी वाले चीज़ जिसको पसंद है वो ये वाला ट्राई करिए। और साथ में यहाँ का इन हाउस ड्रिंक गुलाबो, वाओ परफेक्ट टेस्ट। मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप कभी भी बर्गर सिंह आएँ तो कोल्ड ड्रिंक मत लीजिए, ये लीजिए, बिकॉज ये टेस्टी है ही, हेल्दी भी है एंड बहुत कम शुगर है। लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स में जितना ज़्यादा मीठा होता है ये उतना ज़्यादा मीठा नहीं है। डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इस मोमो में यहाँ पे मैंने ये चिकन लिया है और ये वेज है, सो स्टीम मोमोज भी है, आई थिंक फ्राइज वाले भी ऑप्शन हैं बट हम स्टीम ट्राई करने वाले हैं। ये चिकन है और मुझे वैसे भी चिकन से ज़्यादा ना देखने में भी वेज वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं तो इसको एक्साइटेड हूँ। और साथ में इन्होंने डिप भी दिया है, सो लेट्स टेस्ट वेज वाला। कितना प्यारा कलर है ना गाइस, ग्रीन कलर, वाओ। लाइक सीरियसली वाओ गाइस, बिकॉज इसके अंदर जो वेजीज है ना वो जिस तरह से कुक्ड होना चाहिए उतना ही कुक हुआ है, बिल्कुल ओवर कुक नहीं हुआ है। फ्लेवर्स सारे वेजीज के बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसका जो आउटर लेयर है वो बहुत थिन है और ये डिप के साथ ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। तो वैसे तो बर्गर के लिए फेमस है पर साथ में कभी भी आपको मोमो खाने की क्रेविंग हो यहाँ का ये वाला मोमो जरूर ट्राई कीजिए। गाइस लास्ट में हम डिज़र्ट में ट्राई करने वाले चोको लावा केक। सो चोको लावा केक तो भाई मुझे बहुत पसंद है, बट लेट्स सी कि यहाँ का कैसा टेस्ट है। अंदर में बिल्कुल जो लावा निकलना चाहिए वो निकल रहा है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बनाया गया है। बहुत जगह ना घी वाला फ्लेवर आता है, वैसा नहीं है, एकदम परफेक्ट चोको लावा केक है यहाँ। सो गाइस सब कुछ का मैंने टेस्ट बता दिया, अब सलोनी से मैं पूछ लूँगी वो खा लेती है, उसके बाद मैं पूछती हूँ कि नॉनवेज बर्गर एंड मोमो का टेस्ट कैसा है एंड फूड इंजॉय करने के बाद हम बात करें। सलोनी ने यहाँ पे बिग क्रिस्पी चिकन बर्गर और यहाँ पे चिकन मोमो भी ट्राई किया, तो कैसा लगा सलोनी टेस्ट? बर्गर टेस्टी था और उससे भी ज़्यादा टेस्टी मुझे मोमो लगा, क्योंकि मोमो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, वो अच्छे से कुक भी था एंड बहुत ही टेस्टी लग रहा था। एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए यहाँ का ये चिकन वाला बर्गर एंड मोमो तो डेफिनेटली ट्राई करना। तो दैट मीन्स गाइस वेज के जो भी ऑप्शंस है उसके साथ ही नॉन वेज भी जो है वो भी आप ट्राई कीजिए। सो गाइस ये था मेरा बर्गर सिंह का ब्लॉग एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। टेस्ट की बात करूँ तो 10 out of 10 था, स्पेशली ये 39 में इतने कम दाम में इतना अच्छा बर्गर तो कहीं और नहीं मिलने वाला है पूरे मुजफ्फरपुर में। सो या डेफिनेटली आइए ट्राई कीजिए। मैंने जो भी चीज़ें ट्राई की थी लाइक निक्कू सिंह बर्गर एंड लाइक या स्पेशली वो जो मैंने ट्राई किया था उड़दा पंजाब पूरा चीज़ी फ्लेवर में ट्राई कीजिए एंड साथ में मोमो अगर पसंद है तो मोमो भी ट्राई कीजिए। तो ये लाइक ओवरऑल आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, मतलब सब कुछ का टेस्ट 10 out of 10 था। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ का यू नो मैप लोकेशन एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जरूर चेक कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ, तब तक के टेक केयर एंड बाय।